பாடல்தான் சுரிநாம சாரி சம்சார் अस्सलाम अलैकुम सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। पहले मैं क्रिश्चियन त्योहार क्रिसमस के बारे में जरा से रोशनी डालना चाहूँगा। मुलहजा फरमाइए। दिसंबर के 25 तारीख और दिसंबर के 26 तारीख के रात के वक़्त यीशुस यानि हजरत ईसा पैदा हुआ है पलस्तीना के शहर बेतलहम में। वही दिन से तो ये क्रिश्चियन कैलेंडर की गिनती शुरू किया गया है। मालूम हो कि हजरत ईसा यानी यीशु पैदा हुआ है NHR नल। और भी मैं ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि महीना मार्च में जब लेंत मौसम शुरू होता है और उसके बाद फॉलोमान यानी भरपूर चांद दिखाई देने लगता है, तो फ्राइडा यानी शुक्रवार को खुद फ्राइडा है। उस दिन यीशु को एक लकड़ी के क्रॉस में उनका हाथ पांव तो नेल से ठोक करके एक पहाड़ के ऊपर खड़िया देते हैं। एक दिन के बाद रात के वक़्त लाश को वही क्रॉस पर से उतार कर वही पहाड़ के अंदर होल में रख देते हैं। बाइबल में लिखा है कि यीशु वफात होकर के फिर जिंदा हो गया है उसी दो दिन के पहला और दूसरा पासन कहते हैं। अख्तन दैर तक दाख यानी कि 38 दिन वो धरती पर ठहरा था, उसके बाद वह आसमान के तरफ उड़ कर चला गया है। उसी दिन को हेमल फार्थ कहते हैं। 10 दिन के बाद पिंगस्तरन त्योहार है। उसी रात को यीशु आसमान से दुआ प्रार्थना धरती पर बरसाया है जिसे एचतोरतिंग हैलह खेस्त कहते हैं। बस इसी त्योहार के मौके पे मैं आपको प्रत्यक्ष कर्सदाख मैरी क्रिसमस कह रहा हूँ। आप बेशक स्वीकार कीजिए। सूरीनाम द वरेनिगिंग फॉर इनहेम्स डॉर्फ्सहोवदन इन सूरीनाम फिट्स के द वार्नेमन फोरसेटर जो भी द कालीना और लोकोनो इनहेम से इंगे कॉम जो बने द मरवेन में रहते हैं केम के कैप्टन योना खुंतर जब से फिट्स की जिम्मेदारियां ले लिया है उसने जितना दर्पण में इंगी कौम रहते हैं सबको सूरीनामों के कानून के अंदर में जोड़ रहा है। सभी इंगी कौम के चौकस कर रहा है कि अपना दर्पण में बस्तियों को चुने। आइंदा में सब दर्पण के बस्तियों साथ मिल करके अपना दर्पण में और खनी शेयर करेंगे और कानूनी तौर पर अपना हक मांगेंगे। पोवाका के इंगी कौम भी अपना बस्तियों को चुन लिए हैं और अब तैयारियां कर रहे हैं दर्पण पीक इन सारोन और कॉर्नेलस कोंद्रे में बस्तियों चुनने के लिए। जितना दर्पण के होवदन को चुन लिए हैं तो ये होवदन अपने आपस में मिलजुल करके एक बस्तियों को चुनेंगे जो बस्तियों सब दर्पण के खातिर जरूरी काम करेंगे। योना खुंटर सूरीनाम के रखेरिन पे भरोसा करता है कि जो इंगी कौम के ख्रोंत रेख्तन के फ्रास्टकन है ईमानदारी और सूरीनाम के कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। मालूम हो कि योना खुंतर इनकी कौम के खातिर मौजूद था गवाही देने के लिए जो इंटर अमेरिकन हॉफ फॉर द मेंस रेख्तन के ट्रिब्यूनल कायम था कोस्टा रिका में। वहाँ पे फैसला हो गया है कि इनकी कौम भी पूरा हकदार है और सूरीनामर्स के तरह। Kapitän Jona Günther will an dat krachtige vereniging van inheemse dorpshoofden in Suriname. कमोबेश 5 महीना बीत गया है कि 31 बरस के इक्रेक एम नाम के एक मर्दाना
खस्तोफ द मोपे में थ्री इंसीफन तक 72 ग्राम कोकाइन छिपा करके पोस्ट बदरेज में पोस्ट किया था बैतुल्लाम के खातिर। वही दिन से सिपाही उनको गिरफ्तार करना चाहा तो खबर है कि सोमवार दिसंबर के 20 तारीख को मैंकन दम के एक अदरस पे उनको गिरफ्तार कर पाए हैं। मान फन इन दर अब खपाक भी प्रोबेद ट्वीन सीवन तखराम को कहीं न इन खस्तोफ द मोपे तो पोस्टन इकोनॉमिक जाकन अंतरनेमर्स खाब एंड टेक्नोलॉजी जाकन के मिनिस्टर सास्किया वाल्डन बिपे को प्लेटफॉर्म फॉर इंपोर्टर्स के खत द्वारा खबर किया है कि अभी तक सरकार सब्सिडी के नाम पर एक अमेरिकन डॉलर दिया है सिर्फ एसडे कोर्स के मुताबिक जिस वाल्यूटा के जरिए द मोलन एनफी प्रदेश से मेल यानी पिसान इम्पोर्टेर किया है। आने वाले वुंसदाख से सरकार यह वाल्यूटा देना बंद कर देगा। द इम्पोर्ट फॉर मेल जल फनाफलिबेरालीसीट से did betekent dat de import van mail tegen de marktconforme koers zal worden afgehandeld. रिसोर्ट सेंट्रम के सिपाही दिसंबर के 21 तारीख को 52 बरस के आएन नाम के मर्दाना को गिरफ्तार कर लिया है। हैंक आरों स्तरात पे कैमरा बेल्डन पर दिखाई दिया कि उसने सर्विस स्टेशन के क्रेट फोड़ फाड़ डाला है। उसने जब 21 तारीख को फिर एक रेट को फोड़ा तो सिपाही उनको गिरफ्तार कर सका है। वो एक ज्वेरफर है, अब जहल में वो बहुत मंगन में गुजारेगा। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि कलिया दौंदरदाख दिसंबर के 23 तारीख को कोरोना पशांतन में से कोई नहीं मरा है। मेडियो मार्च 2020 से सूरीनामा में कोविड-19 पांडेमी शुरू हुआ है, तभी से अभी तक टोटल 1,186 कोरोना पशांतन मृत्यु हुए हैं। 222 जना का कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 24 नया लोग बसमत हुए हैं। दौंदरदाख के इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल था 3 जना और अस्पताल में 11 जना। शुरू से अभी तक 51,542 जना बसमत हुए हैं। कैमरा बेल्दन पर दिखाई देता है कि 3 डाकू पर हमारी बहू के एक घर के दरवाजा तोड़ करके अंदर गए, अंदर जा करके स्टालिन क्लोइस उठा ले गए हैं, जिसमें 3,000 $ गहना जेवरात 6 यानी सेस पासपोर्टन 3 होडोशस और 3 खौद पैनन रखा हुआ था। सिपाही अब चोरों के खोज में है। द्री मानन हैब अनस्टालन क्लेस वेखदराखन एट अन वोनिंग इन परमारिबो। Vereniging van Economisten in Suriname, FES, algemene ledenvergadering में एक बस्तूर को चुन लिए हैं। तो नया फोर्सिटर है स्टीफन देवी प्रसाद, लेडन है लुसिंदा लिया लिंग और रॉय किंग, और पुराना लोग रह गए हैं विंस्टन रामोतार सिंह और स्वामी गिरधारी। रेडी दोती रात पे एक मर्दाना चले जा रहा था तो ब्रॉम्फिस पर 2 डाकू आए, उनको जबरदस्ती उनका टेलीफोन हाउस कैटिंग और हलोश छीन ले गए हैं। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी नीदरलैंड में आ जाने से नीदरलैंड के बदरेस लेफन अब सूरीनामो के सरकार को पर भरोसा करने लगा है। नीदरलैंड से सूरीनामो गए हैं द डच एम्प्लॉयर्स कोऑपरेशन प्रोग्राम के फतेहतवोदर्स द हेर यानस वंडरफेल्ड और द डेरक योस।
ये दोनों जना के सुरनामों में वेलकम किए हैं दफर एन खिन सुरनाम से बद्रेस लेवन फेस बे के देहर यन फन चारंते मफ्राव अरियाना द बे मफ्राव अनुष्का सोनाई और मालती द्वारका सिंह मिनिस्टरी फ्रॉम बेतलांस साकन में ये लोग के उन्फांग किया था मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन योदन सफाना और कासीपोरा क्रेक के यूनेस्को वर्ल्ड एरफुट लिस्ट पे रखने के खातिर हेट बुक वर्क योदन सफाना आर्कियोलॉजिस साइट दिए हैं अंदरवेस वेतनस्खाप एंड कल्चर के मिनिस्टर मारी लेफन्स को एक एक्सम्प्लार दिया गया है कल्चर डायरेक्टर रोसलीना दान और द सेक्रेटारस जनरल फॉर द नेशनल कमिशी यूनेस्को के शेफरोन कार्टो विक्रोमो को हाइती में पैदा हुआ अंदर नेमर सीन मिक्सोन आलिया साया को गिरफ्तार कर लिया गया है उनका अपना ही बद्रेस पंत हॉफस्ट्रात पर हमारी बो में शूल सेडनी हाफन पे जो दृश्य को कहीं न पाए हैं तो ये साया के नाम भी उसमें शामिल है उसने भी चोरी भी किया है हेट यूस्टिटियल इंटरफेंसी टीम दोंदरदाख शाम के वक्त लातूर के घर में तलाशी लिए तो 1600 ग्राम को कहीं न पाए हैं वहां के रहने वाला मर्दाना को भी गिरफ्तार कर लिए हैं आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सुरिनाम देश से अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं एक फेयर बोट में 500 जना बैठे बांग्लादेश के होस्ताद ढाका से जैदन के इलाका वाला शहर बरगुना जा रहे थे तो खबर है कि बीच समुन्द्र में फेयर बोट में आगे पकड़ लिया ये लहाकार आगे में तो 535 जना वफात हो गए हैं और कुछ लोगों पानी में कूद पड़े थे वो भी एक आध जने वो पानी में लोप हो गए हैं और कुछ लोगों यानी दसन जना तो लहाकार आग में झोंसा गए हैं ये लोग के अस्पताल में दाखिल कर दिए हैं चीना में ओलंपिक विंटर स्पेलन कायम किया जाएगा महीना फरवरी 2023 में तो एकाध मुल्क के रखेरिंग बैकाट करने लगे हैं नहीं जाने वाले हैं चीना के सरकार मेंस रेक्टन को कदर नहीं करता है खबर करते हैं कि उइगुरन मुस्लिम के ऊपर बहुत जुल्म की जाती है यही कारण है कि जापान ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड के स्पोर्टर्स वहां जाएंगे लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं जाने वाला है फर एन दस्तातन में एक गोरा औरत सिपाही नेघन फेतहियार 39 वर्ष के किम पॉटर स्टुअर्ट उसने मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में एक 20 वर्ष के काला मर्दाना दुआंते व्राइट को दाग करके हत्या कर दिया है तो अब अदालत ये औरत के मुकदमा करने वाला है अभी से कह रहे हैं कि उनको 8.5 बरस के जेल की सजा मिल सकता है जैत कोरिया के आउट प्रेसिडेंट पारक ग्वेन है वो 22 बरस के जेल की सजा काट रही थी मार्क्स मिसब्रेक ऑफ पेरसिंग और करप्शन करने के जुल्म में तो खबर है कि जैत कोरिया का प्रेसिडेंट ये आउट प्रेसिडेंट को खरासी दे दिया है अब जेल में से निकल गई है अब नई दलान की खबरें सुनिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन होने के कारण तो तमाम लोगों ने अपने घर पे मौजूद थे यही वजह है कि इस बरस में क्वार्थ कमती इन बराक यानी चोरी हुआ है पिछले बरस 2020 से सिर्फ तिल बुरख में एक रिहुनाल क्रिमिनल बेंद मौजूद हैं ये लोग ने बहुत दफा चोरी किए हैं बदमाश लोगों ने खेलद्रोप के एक मकान के ब्रीफ बेस में एक बम बोल दागे हुए हैं और दूसरा जगह भी दनबॉस के एक घर में बम बोल के अंदर फेंके हुए हैं तो ये दोनों घर में ये बम बोल से आगे पकड़ लिया और काफी हिस्सा जल गया है
156 बरस के डच लैंड के मर्दाना रालफ हा नेहनिद्री नेहन तक में वो डॉर्टमुंड में एक 16 बरस के लड़की को बलात्कार करके हत्या कर दिया। तो उनको तो गिरफ्तार कर लिए थे, तो वो बहुत दिन फोर अरेस्ट में जब हो गया तो यूस्टिसी न जाने क्या सोच करके उनका एंकल बांध लगा करके उनको घरे भेज दिया अपना मुकदमा के इंतजार में। तो उसने वो एंकल बांध काट करके और लापता था। तो अब इंटरनेशनल गिरफ्तारी के हुक्म पर अब वो नीदरलैंड में गिरफ्तार हो गया। वो भी शहर एंस्खदे के एक एड्रेस पे वो अपना फ्रेंडिन के साथ मौजूद था। तो सिपाहियों ने उनको और उनका फ्रेंडिन के भी गिरफ्तार कर लिए हैं। वॉर्निंग कॉरपोरेशन फिएस्टा के 19 जना नेहन 3 जना 2.5 मिलियन यूरो चुरा लिए हैं, वो भी फाल्स ऑफर्टस और फाल्स फैक्टूरस के जरिए। इसमें तो फिएस्टा के का कमकर्तन भी शामिल हैं। तो खबर है कि जितना बदरेफन है 50,000 यूरो तलक डाल भरेंगे और लोगों को भी सजा मिला है सेस्तक ताक तरफ से लेकर देर तक महीना जहल के सजा वेगंस ओपलिफ्टिंग ओम कोपिंग वित्वासन और फॉल्स हाइटिंग खसकृत के कारण। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। और आज के लतीफा इस तरह से है, सेंटर क्लास जब जाए लगल तो कैस मान के भेटा गल। कैसमान के देखते ही बोले अरे कितना खुशी के बाद हम कैसमान के भटाए गले कुछ खातिर भाव करना। तो कैसमान बोले हम तो के खातिर भाव करे तू का समझले रे हम कैसमान हेली हम संत क्लास ना बाटी। आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए। अब ये वीकेंड में तो कर्ज त्योहार है, खूब बढ़िया से कर्ज मनाइयो। आपसे मुझसे मुलाकात हो यही रेडियो स्टेशन पे अब यही वक्त।